वेलकम टू कैरेंट फैमिली कैसे हैं आप सब हो सब अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ सो डियर फ्रेंड एक न्यू लुक एंड न्यू वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने आ गई हूँ और ये वीडियो है वैलेंटाइन स्पेशल आप लोग देख सकते हैं एक मैंने बहुत ही प्यारा सा ड्रेस कैरी कर रखा है और इसी में किया है मैंने फुल मेकअप लुक तो आप भी अपने वैलेंटाइन के लिए इस वेलेंटाइंस डे पे ऐसे रेडी हो सकती हैं तो वीडियो को पूरा देखिए एंड पूरा देखने के बाद कमेंट करिए कि मेरा लुक कैसे लगा बहुत ही सिंपल सोपर लुक मैंने रखा है एंड मैं भी ऐसे होने होने वाली हूँ तैयार अपने डे के लिए तो आप लोग भी इस तरह से करिए आप लोग का जो वेलेंटाइन होगा वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होगा सो चलिए आप लोग वीडियो को इन्जॉय कीजिए पूरा वीडियो देखिए और लास्ट में हम आपको फिर से मिलते हैं एक बार सो वीडियो पूरा देखिएगा सो डियर फ्रेंड यहाँ पे मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी है आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का वो ले रही हूँ टोनर लेकिन टोनर का जो मेरा पैकेजिंग था वो बॉटल गिर के फूट गई थी इसीलिए मैंने एक नॉर्मल वॉटल ली और उसमें डाल दिया है आप लोग देख सकते हैं स्प्रे बॉटल तो वही मैं बता रही थी मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ बिकॉज बिकॉज पहले ना मैं कर रही थी तो बाबू फ़ोन चला रहा था तो उसकी वॉइस आ रही थी तो प्रॉब्लम होती इसीलिए मैं बाद में पहले ही बात कर रही थी फिर बाद में मुझे आवाज़ देनी पड़ी तो आप लोग देख सकते हैं मैं बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी आप लोग देखते जाना कितना जल्दी आप लोगों को मतलब एकदम से आप लोगों को ग्लो दिखेगा चेहरे पर तो मैंने उसके बाद लगा लिया यहाँ पर मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर मैंने पॉन्ट्स की लगाई है मेरी फेवरेट है मतलब मैं मॉइस्चराइज़र यही सारी यूज़ करती हूँ जो ब्रांडेड हों और जो अच्छी हों बिकॉज़ ये ही हमारे चेहरे को मतलब अच्छे से मॉइस्चराइज रखती हैं हाइड्रेट रखती हैं और इनसे हमें को, मतलब अगर कोई हॉमफुल प्रोडक्ट भी लगाते हैं तो इनके थ्रू हमारे अंदर तक नहीं जाता है इसलिए अच्छे से ये फेस में जो पोर्स वगैरह रहते हैं उसमें ये अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाते हैं और आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अगर मॉइस्चराइज़र वग़ैरह लगाएँ तो अच्छे से मेल्ट ज़रूर करें और थोड़ा टाइम दे लगाएं तो और इस तरीके से मैंने इसको कर लिया है अच्छे से अप्लाई उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ प्राइमर प्राइमर मेरा इन साइड का है आई थिंक मुझे याद नहीं है तो मैं अच्छे से आँखों में भी प्राइमर लगा लूँगी अपने लिप के अगल बगल में अच्छे से और कोई भी प्रोडक्ट लगाएं तो आप लोग नेक को बिल्कुल भी ना भूलें नेक हीयर और मतलब अच्छे से कर लें बिकॉज इससे क्या होता है कि अपना पूरा फेस और नेक और ये सारी चीज़ें एक जैसे दिखता है तो फिर लुक थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और लगता है कि नेचुरल है नहीं तो अलग अलग दिखता है तो मैंने यहाँ पे गोल्ड की इयर डाल रखी थी उसको मैंने रिमूव कर दिया बिकॉज प्रॉब्लम होती है करने में कोई भी मेकअप और फिर मुझे चेंज भी करना था इसीलिए मैंने निकाल दिया था और इसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपना फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन फाउंडेशन मैं बहुत 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 कम यूज़ करती हूँ ये आप देख सकते हैं छोटा सा ही लाती हूँ मेरा और लॉन्ग टाइम तक चलता है मैं हमेशा मेकअप नहीं करती हूँ जब मुझे भी ऐसे कहीं जाना होता है या लुक क्रिएट करना होता है तभी मैं ज़्यादा मेकअप करती हूँ नहीं तो मैं नॉर्मल सिंपल रहती हूँ किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है लेकिन जब कोई अच्छा सा चीज़ मतलब अच्छा सा ओकेज़न आता है तब तो मतलब बनता है इतना तो मैं अच्छे से लगा ली तो कुछ इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथों से लगाऊंगी यहां पे मैं देख रही थी अप्लाई अच्छा कर तो लूंगी देख, दे, देख बहुत, बहुत, बहुत ही अच्छे से आप लोग देख सकते हैं जहां जहां मेरा फिंगर गई होगी वहां पर आप लोगों को बिल्कुल भी फाउंडेशन नहीं दिखेगा आप लोग देख सकते हैं मतलब उतने अच्छे से मैंने किया भी नहीं है उसके बाद मैं मेरा की हेल्प से देख के अच्छे से करूंगी बिकॉज मिरर से पता चलता है मल्ट तो अच्छे से हो गया था लेकिन कहीं पे अगर ज्यादा है कहीं पे कम है तो उससे ज्यादा अच्छे से दिख जाता है फोन में उतना क्लियर अपने को नहीं दिखता है और पास जाके मतलब करना पड़ता है और ये नेक मतलब ये एरिया नोज़ का हमेशा छूट जाता है तो इसको भी कुछ अंदर की तरफ करके करें ताकि मतलब इसमें भी थोड़ा सा अलग सा एक लुक आता है नोज़ अपना अच्छे से बन जाता है तो देख सकते हैं पहले के लुक में और अभी के लुक में आप लोगों को एक अलग ही ग्लोई सी स्किन दिख रही होगी स्टार्टिंग में रेड रेड सी स्किन दिख रही थी जो मेरी नेचुरल नेचुरल है और इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा था तो यहाँ पे अब मैं सोच रही हूँ मैं आई मेकअप कर लूँ उसके बाद कुछ चीज़ें अप्लाई करूँगी बिकॉज़ फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ सोच रही हूँ कौन सा साइड पिक करूँ उसके बाद मैं सोचती हूँ गोल्डन ही कर लेती हूँ गोल्डन ऑल टाइम फेवरेट रहता है और होता क्या है कि अगर हम लोगों को वैलेंटाइन डे वग़ैरह में बाहर जाना रहता है ना तो मतलब ज़्यादा डार्क कलर लेना उतना अच्छा नहीं लगता मेरे हिसाब से बिकॉज़ बहुत ऑट दिखता है आई शेडो वगैरह मतलब रात होत में ज़्यादा अच्छा लगता है और हम लोग नॉर्मल अगर कहीं घूमने वागने जाते हैं तो नाइट में ही जाते हैं लेकिन अगर फ्रेंड एंड के साथ गए तो फिर सिंपल सा अपन डे में ही जाते हैं तो बहुत ही सिंपल सा करें और यहाँ पर मैंने गोल्डन फिर ब्रश की हेल्प से किया मैंने पहले सोचा फिंगर की हेल्प से करते हैं फिर मैं कहीं नहीं ब्रश से करते हैं थोड़ा अच्छा से मतलब हो जाएगा अब फिंगर से भी मैं हमेशा करती हूँ आप लोगों ने देखा ही है तो उसको क्या करें? अगर लें, तो क्या लें एक्स्ट्रा जो भी रहे उसको रिमूव करके हमेशा अप्लाई करें बिकॉज बहुत ज्यादा फिर हो जाता है और ये गोल्डन कलर है तो उतना खास क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा बिकॉज रिंग लाइट लगी थी तो थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा है इसीलिए उतना खास नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन अच्छा बहुत ज़्यादा लग रहा था मतलब साइनी साइनी लग रहा था ग्लिटर टाइप का था थोड़ा तो नीचे भी मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ जो उसी में दिया हुआ है मेरे आई पैलेट में तो उसको मैं थोड़ा ब्रॉड कर रही हूँ मतलब नीचे थोड़ा सा अच्छा दिखे तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं आई मेकअप मैंने इसलिए स्टार्ट कर दिया है उसके बाद मैं कंसीलर वगैरह अप्लाई करूँगी लेकिन अगर इससे क्या होगा कि जो भी कुछ एक्स्ट्रा आँखों से गिरेगा प्रोडक्ट और मैं कंसीलर लगाऊँगी कॉम्पैक्ट लगाऊँगी तो उससे बहुत अच्छे से हो जाएगा यहाँ पर बहुत टाइम लगा मुझे ये खोलने में अभी नई नया नया, नया स्कीस वाला मैं लेके आई हूँ अपना ये आई तो आप लोग देख सकते हैं आई लगाना हमेशा बीच से स्टार्ट करें और पहले एक लाइन ड्रॉ कर लें उसके बाद अपना जितना मतलब जितना ब्रॉड रखना हो जितना पतला रखना हो मुझे पतला ही आईलाइनर लगाना पसंद है मुझे मतलब ज़्यादा ब्रॉड पसंद नहीं है तो मैं आईलाइनर लगा लूँ देख सकते हैं मेरे दोनों आंखों में मैंने कोर कोर हल्का सा बना लिया है और आईना आई, आई लाइनर अप्लाई कर लिया है आई मैंने बहुत बार लगा के देखा है आप दिखाया आप लोग और भी मेरे मेकअप लुक जाके देखिएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है तो यहाँ पे देख लीजिए मैं काजल लगा रही हूँ काजल के लिए मैंने हिमालय का काजल यूज़ किया है काजल मेरा थोड़ा सा अभी ख़राब होने लगा है ख़राब इन देंस कि बाबू उसको कुछ थोड़ा सा तोड़ वगैरह दिया है तो मुझे काजल दूसरा लेना पड़ेगा तो थोड़ा सा नीचे एक्स्ट्रा लग जाता है मतलब थोड़ा सा चौड़ा हो गया सामने से आ, कुछ फिंगर वगैरह उसने रख दी थी तो इसीलिए तो मैं दूसरा काजल लूंगी अदरवाइज ये मेरा फेवरेट काजल है आप लोग देख सकते हैं तो इस तरीके से सो so, थोड़ा इधर उधर एक्स्ट्रा हो जाता है ऐसा नहीं है कि परफेक्ट मैं कोई परफेक्ट मतलब ब्यूटिशन तो नहीं हूँ बस मैं ट्राई करती रहती हूँ कुछ अलग और आप लोगों के लिए कुछ यूज़फुल चीज़ें बिकॉज़ नहीं होता है अपने पास इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में पार्लर जाने का टाइम तो मतलब आप अच्छे से कर सकते हैं अपने आप भी कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट कहाँ यूज़ होगा कैसे यूज़ होगा वही सारी चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं तो हम आपको सिखा रहे हैं नहीं हमारा काम है हमने सोचा है कि हमें ये करना है इसलिए हम करते हैं और हमारा यही मोटिव है हम हमारा जो मेन फोकस है इसी से है और आप लोग को अच्छा लगे आप लोग पूरा देखा करें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट करती हूँ मुझसे भी गड़बड़ होता है मुझसे भी गलत होती हैं चीज़ें मैं भी सीखती हूँ किसी से फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ जो मेरे से जुड़े हुए हैं बहुत लोग तो नहीं हैं पर बहुत ज़्यादा भी हैं ऐसा नहीं कह सकती मैं कि कम है जितने भी हैं मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड है तो उनके लिए करती हूँ मैं आप सभी के लिए करती हूँ तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे मैं मस्कारा लगा रही हूँ तो मस्कारा है मेरा सिंपल है मैं बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं कर सकती हूँ बिकॉज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकती अभी उतना ज़्यादा मैं नॉर्मल सिंपल सा मेकअप लुक ही क्रिएट करूँगी तो आप लोग देख लीजिए आई मेकअप करने से यही चीज़ का फ़ायदा होता है आप आधा मेकअप कर लो चेहरे का तब तक वो मेल्ट भी होता रहता है और आई मेकअप बीच में कर लो बिकॉज आई मेकअप करते करते जो हमने पहले फाउंडेशन या जो भी लगा रखा है ना वो अच्छे से अप्लाई होगा उसके बाद हम कंसीलर लगा रहे कंसीलर मेरा इनसाइड का ही है तो आप लोग देख सकते हैं और हाथ में अगर गंदा है तो आप उसको एक कपड़े से साफ कर लें क्योंकि जो गंदगी रहती है वो फिर से फिर फेस में अप्लाई हो जाएगी इसके थ्रू तो मैंने अच्छे से एक बार काजल वाजल लगाया था ना तो अच्छे से मैंने हाथ को अपने साफ़ कर लिया है तो यहाँ पे जो मैंने ड्रेस पहन रखी है ना इसमें भी आपने एक मेकअप लुक देखा है जो स्कर्ट मैंने पहना है उसमें मैंने एक लुक किया था कौन सा जो नवरात्रि स्पेशल लुक किया था मैंने इस और टॉप दूसरा था और इस कट यही था तो आप लोग पूरा स्टार्टिंग में देखे ही होंगे और फिर से लास्ट में देखेंगे जब मैं मतलब पूरी पूरा लुक लुक दिखाऊंगी आप लोगों को तो यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से फिर बहुत अच्छे से यार ये ब्रश की हेल्प से ना बहुत ही अच्छे से आ, सारा प्रोडक्ट अच्छे से लग जाता है फिर हाथ में भी नहीं लगता है एंड बहुत कम प्रोडक्ट में हो भी जाता है तो फिर मैं यहाँ पे कंसीलर अच्छे से अप्लाई कर रही थी आप लोग देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके का मैंने अप्लाई कर दिया ही बहुत ही अच्छे से तो मतलब ब्रश की हेल्प से धीरे धीरे करके अप्लाई कर तो मैंने अच्छे से अप्लाई करने के बाद जो बचा हुआ प्रोडक्ट था वो मैं अपने नेक पे लगा लूँगी आप लोग देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से मैंने पूरा नेक पे अप्लाई कर लिया है एंड आप लोग लुक देख ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पर मैं इनसे बात कर रही थी तो आप लोग देख सकते हैं अब मैं लास्ट में लगाऊँगी कॉम्पैक्ट तो आप लोग देख लीजिए बहुत ही प्यारा सुंदर सा लुक लग रहा है इम्प्रेस हो गई मैं इस लुक से सच में यार मैं ख़ुद का इतना अच्छा लुक की थी तो इसकी हेल्प से ऐसे ऐसे घुमा के लगा लेंगे तो जो कुछ भी एक्स्ट्रा होगा वो भी इधर उधर हो जाएगा और अपना कॉम्पैक्ट भी अच्छे से लग जाएगा और आ, मैं ना बहुत ही सिंपल लुक रखी थी बिकॉज बहुत ज़्यादा हैवी लुक रखने का कोई मतलब नहीं है आई मेकअप कर लो आप वैसे भी ऑटोमेटिक ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाले रहते हो मतलब लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आता है तो यहाँ पर देख लीजिए मैं अच्छे से है नेक वेक में लगा लूँगी अच्छे से यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लस लगा रही हूँ हंसते हुए यहीं पे एक ब्लस कलर है रेडनेस थोड़ी सी तो उसी को मैं उठा के ब्रश में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लगा रही हूँ तो कुछ इस तरीके से हंसते हुए लगा लेंगे और इससे थोड़ा सा और एक ग्लॉसी सा लुक आ जाता है तो इसको भी अप्लाई कर लेंगे उसके बाद मैं सोच रही हूँ मेरे को ज़रूरत नहीं थी बट मैं एक पार्ट है अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग लगा लीजिए तो यहाँ पे एब्रो पेंसिल से आप लोग अपना एब्रो फिल कर लीजिए मैं बहुत ही हल्का सा लगाई थी मेरे को ज़्यादा नीड नहीं थी बिकॉज़ फिर अलग अलग दिखने लगता है और सिंपल से लुक में इतना ज़्यादा जरूरी भी नहीं होता है मेरे हिसाब से और मुझे ना बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है मेरी तो बहुत लेंथी वीडियो का डालने का कोई मतलब नहीं होता है बिकॉज़ लोग स्किप करके देख लेते हैं इसलिए बहुत कुछ काटना भी पड़ता है इतना जल्दी लुक क्रिएट नहीं होता है और यहाँ पे मैंने मरून कलर लिया है इसको भी बाबू ने मतलब दबा दिया है फिंगर से तो ख़राब हो गई है मतलब सामने का जो वो रहता है तो इस तरीके से मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी इस सेट को मैंने मतलब कई सारे इसके सेट मंगाए अलग अलग तो मैं यहाँ पर लिपस्टिक अप्लाई कर रही तो देख सकते हैं आप लोग मैंने लगा लिया है अपनी लिपस्टिक अब मैं हेयर स्टाइल में खुला वाली रखने वाली हूँ ऐसे भी वैसे अच्छा लग रहा है बट मैं हेयर स्टाइल खुली करने वाली हूँ तो चलिए मैं हेयर स्टाइल करके मिलती हूँ आप सभी से हेयर स्टाइल मेरा सिंपल ही रहने वाला है बस मैंने जो क्लचर लगाया था उसको निकाल दिया है एंड आप लोग देख सकते हैं सुबह मैंने सीरम लगाया था बाल में एंड कंडीशनर शैम्पू के बाद सीरम लगा लिया था तो अच्छे से बाल दिख रहे होंगे आप सभी को सिल्की से हैं मेरे बाल लंती कम है लेकिन सिल्की बहुत हैं प्यारे बहुत हैं तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं दिखा रही थी अपना लुक आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड भर भर के प्यार दीजिएगा अब फाइनल लुक मेरा देख सकते हैं आप सभी कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टेक केयर टू ऑल सारे वीडियोज़ देखिए इंजॉय कीजिए बाय बाय सी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में